सामान से लेते हैं। अब लोग ये सामान जो आगे मैं एस लगाता हूँ, एस पे तनकी करते हैं काफी लोग, वो बोलते हैं एस क्यों लगाता है सामान, सामान होता है एक होता है, ठीक है। सामान जो मैं बोलता हूँ वो सामान से मतलब सब चीजें आती है। क्या यार हम अस्सलाम वालेकुम, मैं फ्रेंड्स अब्दुल वहीद, आप लोग देख रहे हैं वहीद मिर्ज़ा। तो यार आज का मजेदार व्लॉग करते हैं शुरू। तो यार गाइस रमजान इससे सबसे ना मैं सिटी गया ना, बस ऐसे समझे, बस मैं अपने शहर जाता ही नहीं हूँ, कम जाता हूँ, बस ऐसे समझे 100 में से 10% जाता हूँ लेकिन जाता ही नहीं, ऐसे समझे बस जाता ही नहीं। तो ये हया मुसा मैं लेके आया वही डीजल वाली बाइक, तो टैंकी टॉप इसमें मैंने चेंज करवाए थे पिछली व्लॉग्स में, आप लोगों को मैंने बताया था और दिखाया भी था। तो अभी चलते हैं सामान से लेते हैं। आप लोग ये सामान जो आगे मैं एस लगाता हूँ, एस पे तनकी करते हैं काफी लोग, वो बोलते हैं एस क्यों लगाता है सामान, सामान होता है एक होता है, ठीक है। सामान जो मैं बोलता हूँ वो सामान से मतलब सब चीजें आती है, सभी चीजें आ जाती है, तो इस हिसाब से मैं बोलता हूँ सामान, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। क्या यार हमें तो पेंट उलट का ठहरा, तो यार आप लोग क्या समझाते हैं मुझे। तो सीधा मैं जा रहा हूँ कताल अड्डे पे, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है मुझे, ऐसे समझे टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। चलते हैं भाई पहले, सबसे पहले कताल अड्डे पे, सौदे सलफ्स मुके पड़े थे तो उठाते हैं। अच्छा जी फाइनली गाइस पीछे मेरे कताल अड्डा देते, मैंने सामान वगैरह जो लेना था वो यार परचेज कर लिया। यार आप लोगों को यार ये छोटी छोटी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, तो यार इस हिसाब से नहीं बनाई कि यार बूढ़े बूढ़े लोग बैठे होते हैं तो इस हिसाब से ज्यादा ज्यादा मुझे तंज करते हैं क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस हिसाब से यार ये फड्डे से मैंने सोचा ये फड्डे से बस जैसे जान छोड़ाते हैं, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड भी नहीं करते। ये तकरीबन कम से कम 3 दिनों का है, ठीक है, 3 दिनों का, 3 दिनों का भाई इतना सामान यार, सारे जेब के पैसे बस फजूल भाई। ये 3 दिनों का ये सामान है, इतना इतनी बड़ी छापर, आप लोग समझ रहे हैं ना, इतनी बड़ी छापर वो भी 3 दिनों की। सुकून भाई रमजान में, जिंदगी में ऐसा मुझे कभी सुकून महसूस नहीं हुआ। आप लोगों को हमेशा बताता रहता था, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, तो हमेशा यही बताता रहता था ना। आप लोग पता है, आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, काफी टाइम से मेरी वीडियो वगैरह वॉच करते रहते हैं, तो लेकिन पता नहीं क्यों रमजान में आप लोगों को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई इतना सुकून आए यार, कसम से वाकई सीरियस में सुकून होता है रमजान के मंथ में, पूरे महीने में। तो चलते हैं पहले अपने घर में। अच्छा फाइनली गाइस मैं वापसी आ चुका हूँ, तकरीबन 3 दफा मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि मैं वापसी आ चुका हूँ। तो खैर हमारा जो शुगर के अंदर आप लोगों को पता है काफी टाइम पहले इसको हमने एंड कर दिया था, तो इसको निया वगैरह इसमें मैंने आप लोगों को पता बीज में लेके आया था, तो अभी आप लोग चेक करें इसकी पैदावार। आए हाय हाय वहीद मिर्जा ने बीज वगैरह लगाया और वो पैदा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करते हैं। तो रोजे का भी टाइम हो चुका है, चलते हैं पहले रोजा वगैरह। अच्छा आप लोग मैं बता रहा हूँ कि मैं वीडियो वहाँ पे नहीं बनाता मस्जिद में, हमारे मौली ऐसे हैं वो वीडियो बनाने नहीं देते, और हमारे जो गाँव वाले लड़के होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, वो शौकी नहीं है इसने इस हिसाब से वीडियो के देहाती लोग हैं, तो वो वीडियो वगैरह अक्सर नहीं शूट करवाते रहते। मैं वो वाहिद लड़का हूँ, तकबर नहीं कर रहा, अल्लाह के आगे तकबर की तौबा है। तो खैर मैं वो वाहिद लड़का हूँ जो वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ, बाकी हमारे जो भाई है वो टिकटॉक करें, वो टिकटॉक बनाते रहते हैं, लेकिन मैं व्लॉगर हूँ।